पानी का खुला पानी बर्फ डाल दो चीज में हो तो फिर से सही है। टेम्परेचर इतना नहीं है कि आप गर्मी से आ रहे हो पी रहे गले का, ऐसा भी टेम्परेचर भी लेना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? चेकलिस्ट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन अथॉरिटी है नर्स को पूछने के लिए भाई कैन आई चेक योर चेकलिस्ट? सुपरवाइजर ने ये चीज प्रोवाइड करनी है राइट। इंस्पेक्शन किसने करनी है? सेफ्टी ऑफिसर नर्स ने, और सारे का सारा रिकॉर्ड किस नर्स ने चेक करना है? सेफ्टी ने। सारे पे पूरा पैकेज पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, फिर आप ड्रॉप ऑफ वाटर सम कोई आदमी भी पिएगा ठीक। आप डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक इन इफेक्ट क्या बताइए? डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक में अच्छा, डिहाइड्रेशन किसी भी वजह से हो सकती है, पानी की कमी उसकी मल्टीपल रीजन हो सकती है, लेकिन जब डिहाइड्रेशन ड्यू टू हीट होगी गर्म उसको हीट स्ट्रोक ठीक है। वैसे भी पानी ना पीने से डिहाइड्रेशन है, और डिहाइड्रेशन चेक करने का लिटमस टेस्ट आसान टेस्ट कौन सा है? मतलब आसान टेस्ट किया है यूरिन कलर, अगर आपके यूरिन का कलर ट्रांसपेरेंट नहीं है पानी की तरह नहीं है मींस आप डिहाइड्रेटेड हैं। इसीलिए ट्रेन करते हैं हर आदमी को, बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं मशरूम के अंदर भी राइट लगे होते हैं, तो हर आदमी के माइंड में ऐसी चीज़ है कि आई नीड टू चेक माई फास्ट यूरिन, वो यूरिन पास करेगा तो हाइड्रेशन क्या चीज़ है? पानी की जरूरत इसी पार्ट में या सामने जिस्म में पानी की कमी होगी। अगर किसी आदमी को अगर लूज मोशन है क्या होगा, क्या हो जाएगा? डिपिंग क्यों लगाते हैं? पानी की कमी पूरी करने के लिए। तो ये तो अगर नॉर्मल किसी वजह से दस्त आ गई या फिर फूड पॉइजनिंग या किसी वजह से, सम टाइम आपने देखा कि बच्चों को अगर उसकी वालदा ले कि कहीं सिटी में कहीं जाए तो वापस आए तो बुरी माँ शोर करती है बच्चे को लेके दस्त लगे राइट और नॉर्मल ऐसा होता ही नहीं होता है, ऐसा होता है ना तो वो जो आती है एक वर्कर ओपन सब में काम कर रहा है जैसे एग्जाम में क्लियर किया वो डिहाइड्रेशन हुई है लेकिन ड्यू टू ऐसा है ना फिर उसमें हीट स्ट्रेस आ गई हीट स्ट्रोक आ गई पूरी लगी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा 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 इंट्रोडक्शन कर दिए कुछ जो हमारे पास नॉलेज है उसकी।